सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफिकेशंस विद मनोज और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम टीवीएस जुपिटर में एलईडी हेडलाइट इंस्टॉलेशन करेंगे और बार एंड लाइट इंस्टॉलेशन करना है ये वाली। ओके, तो एलईडी हेडलाइट इंस्टॉलेशन करना तो इजी है, उसका वायरिंग बहुत सिंपल है, आपको बता दूंगा। एक ही वायर उसका चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एलईडी है, एलईडी की कोई भी चीज़ अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है आपकी बाइक में या स्कूटर में तो उसको डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन करना पड़ेगा, एसी कनेक्शन पर करोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको उसका वायरिंग आपको बता दूंगा कौन सा वायर कहाँ से निकालना है, कौन सा वायर कट करना है। तो खाली एक ही वायर आपको चेंज करना पड़ेगा और फिर तो पूरा डीसी कनेक्शन हो जाएगा और इजीली इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। बार एंड लाइट इंस्टॉलेशन करने का मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसमें करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि अभी बार एंड लाइट इंस्टॉलेशन अगर करना होता है तो उसके लिए ग्रिप कट करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ग्रिप कट करो तो ग्रिप छोटा हो जाता है और कभी कभी वाइब्रेशन से वो निकल जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। मैंने फिर इसका दूसरा एक वीडियो बना बनाया था, बार एंड लाइट इंस्टॉलेशन किया था यामा रे ZR में, मैंने उस पर फेविक्विक से चिपका दिया था, थोड़े टाइम के लिए रहा वो, लेकिन बाद में फिर वो भी निकलने लगा। फिर बाद में मैंने मेरी एक्टिवा में मैंने क्या किया था, ग्रिप चेंज करके बार एंड लाइट इंस्टॉलेशन किया और उसको एम सील से पूरा लगा दिया, लेकिन बाद में 2-3 महीने के बाद एम सील भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो भी मतलब क्रैक होने लगा और वो भी निकल गया। तो अभी इसको देखता हूँ मैं, कुछ दूसरा कुछ सेटिंग करूँगा मैं, कुछ नया ग्रिप मिला तो ग्रिप में अटैच करके वो करूँगा, और मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे एलईडी हेडलाइट तो ऐसे भी उसको मैं डालना ही है क्योंकि दूसरे कस्टमर का है वो, तो वो मैं कर दूँगा, फिर वायर हेडलाइट का मैं बाद में करूँगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये वाला है एलईडी हेडलाइट है M02H जो मैंने आपको बताया था, और इसको दिखा देता हूँ यार मैं आपको। ये है 42 वाट्स का है, 4500 लुमेंस का है, इसका ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है, और इसके साथ में कैसा आता है ये देखो, ये 4 COB LED आती है, लो बीम पे 2 COB जलेगी और हाई बीम पे 4 जलेगी, और इसके साथ में इसे रिंग्स आती है अलग अलग, मतलब हेडलाइट के हिसाब से, केसिंग के हिसाब से, तो अपने को ये वाला फिटिंग करना पड़ेगा, और ये स्क्रूज दिए हुए स्क्रूज लगाना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा स्क्रूज भी ये निकाल के। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जब भी आप निकालोगे ना ये वाला निकाल के अपने को ये वाला लगाना है, इसका सेटिंग करना पड़ेगा। मतलब कैसा था, जब लो बीम पे ना 2 COB जलेगा, ठीक है, तो मतलब ऊपर वाली साइड से ऐसा चलना चाहिए, फोकस बरोबर आना चाहिए नीचे, अगर आपको फोकस बरोबर नहीं मिल रहा है ना तो ये ऐसे स्क्रू लूज करके ना इसको वापस से घुमा के दूसरे साइड से आपको ऐसा डालना पड़ेगा। मतलब पहले आप ऐसा फिटिंग करोगे, आपको फोकस नहीं आ रहा बराबर, ऐसा इसकी जो रेस है ऊपर की ऊपर जा रही है, रोड पर नहीं आ रहा है, तो इसको वापस से आपको हेडलाइट निकालना पड़ेगा, ये स्क्रू निकाल के इसको वापस से, इसको डिश को वापस से दूसरी साइड से घुमा लेना, क्योंकि इसका सेटिंग अलग अलग होता है। देखो ये यहाँ पे बड़ा है, ये छोटा है, तो अपने हेडलाइट का जो सॉकेट होता है ना उसमें भी वैसा इसका सेटिंग दिया रहता है, बरोबर रहता है, तो ये आपको वैसा चेंज करना पड़ेगा। अगर एक बार आपको फोकस नहीं मिल रहा है बरोबर, तो ये डिश आपको वापस से, रिंग आपको वापस से घुमा के दूसरी साइड घुमा लेने का, तो फोकस आपका बरोबर हो जाएगा। फोकस आपको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें ये एक्चुअली करना देखना पड़ता है ये। और ये वायरिंग तो सिंपल है, मतलब सब मैचिंग कलर है, जो अपने हेडलाइट का जो सॉकेट होता है उसमें डायरेक्ट मैच हो जाएगा, ब्लू टू ब्लू, ग्रीन टू ग्रीन, वाइट टू वाइट सीधा डाल देना है, और ग्रीन वाला जो है वो आएगा नेगेटिव का है, और बाकी इसका वायरिंग डायग्राम देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है सब, कौन सा कलर का कैसा है वायरिंग ये सब है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये ग्रीन वाला जो है वो नेगेटिव आएगा, वाइट वाला लो बीम है और ये ब्लू वाला हाई बीम का है, तो ये वायर हम यहाँ पे कट करके फ्लैट वाली पिन लगा देंगे, तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, ये मैं आपको इंस्टॉलेशन करने में आपको दिखा दूँगा, फ्लैट वाली पिन लगा देंगे तो ये डायरेक्ट सॉकेट के अंदर बरोबर फिट हो जाएगा ये, तो इसको अभी इंस्टॉलेशन करते हैं इसको। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने को डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे ना, सबसे ईजी है ये जो अपर डिपर का जो सॉकेट है ना इसका, ओके, अपर डिपर का सॉकेट है, इसमें जो ऑरेंज कलर का जो वायर है ना ऑरेंज वाला, वो डायरेक्ट इग्निशन से आता है, तो वहीं से एक वायर ले लो, तो आपको नीचे वाला पैनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्चुअली ओपन किया था चेक करने के लिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं नीचे वाला पैनल, खाली ऊपर वाला पैनल ओपन करो उससे काम हो जाएगा। ये ऑरेंज वाला वायर है ना, यहाँ से एक वायर ले लो, ओके, यहाँ से वायर लेना, ये देखो ये वाइट वाला मैंने वायर लिया है, ओके। अब इसके अंदर कैसा, सबका कलर कोडिंग अलग अलग है, होंडा के जैसा नहीं है कि एक ही है, ठीक है। अभी इसमें से कौन सा वायर कट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ये है पायलट लैम्प का है, पायलट लैम्प के लिए अपने को ये वाला वायर कट करना पड़ेगा, ये येलो में जो हल्का ग्रीन जैसा है, ग्रीनिश ब्लू जैसा है,
इसको कट करना पड़ेगा, ये पायलट लैम्प का, ठीक है, ये वाला वायर कट करना पड़ेगा अपने को। ये जो है ये हेडलाइट के लिए, हेडलाइट के लिए अपने को ये ग्रे वाला वायर कट करना पड़ेगा। अच्छा, और ये फिर क्या करेंगे, जो कट करके इसका ये ग्रे वाला वायर और ये वाला वायर दोनों को जॉइंट करेंगे इसके साथ, तो अपना डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन हो गया, एकदम सिंपल हो गया। ऊपर के पैनल से ही सब पूरा करना है, नीचे वाला पैनल ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर वाले पैनल से सब कुछ हो जाएगा। तो ये इसको कट करके मैं आपको बता देता हूँ ये अभी इसको। तो ये अभी डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन हो गया, ओके। तो ये ऑरेंज वाला जो वायर है ये अपर डिपर का स्विच, इसमें से वायर, ये वायर ले लिया एक और ये ऐसा इसको जोड़ दिया। ये ग्रे वाला जो है, ये वाला जो है ये हेडलाइट का है, और ये ब्लू वाला ये पायलट लाइट का। तो ये दो वायर ऐसे ही छोड़ दिया, इसको ऊपर टेप मार देंगे, नहीं तो एक दूसरे का जॉइंट ना हो जाए, इसको टेप मार के अलग से इसको छोड़ देंगे। और ये ऐसा यहाँ पे इसे छोड़ दिया, इसको ऑफिस अभी स्विच के अंदर डाल देंगे इसको। तो ये डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन हो गया। तो इसको यहाँ पे ना ये इस स्लीव्स इसके ऊपर चढ़ा देंगे ऐसा, तो ये क्या है फॉर्म हो जाएगा एकदम। और ये डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन हो गया एकदम इजी, को ऊपर वाला पैनल ही खोलना हो गया ये डायरेक्ट। अभी इसके बाद में हम हेडलाइट अभी अपन चेंज कर देंगे, तो इसको मैं एक बार लगा के। तो ये हो गया डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन, अभी इसका किधर गया, हाँ ब्लू वाला वायर है नीचे पायलट लाइट का, ग्रे वाला ऊपर है हेडलाइट का, ओके। ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, ये चाबी ऑन किया, पायलट लाइट और ये हेडलाइट, ये सब ऑन हो गया अभी डायरेक्ट, ठीक है। इंजन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑन हो गया। और ये दो वायर कट करना है, ये जो ग्रीन में थोड़ा सा ये जो दिख रहा है ना हल्का ब्लू वाला, ये पायलट लाइट का है, ये वाला कट करना है। और ये जो ग्रे वाला जो दिख रहा है, सॉरी ये ग्रे वाला जो है वो हेडलाइट का है, वो वाला कट करना है अपने को। और बाकी आपको वहाँ से ऑरेंज वाला सॉकेट से वायर निकाल लो, ये वाला सॉकेट का ये जो ऑरेंज वाला वायर जो है ना, ये डायरेक्ट इग्निशन से आया हुआ है, यहीं से लेके सीधा जो ये वायर कट करोगे वहीं पे उसको जोड़ देना है। ये देखो ये यहाँ पे ऊपर जोड़ देना, ये वायर दोनों वायर कट कर दे, ये दोनों को एक साथ ही जोड़ दो चलेगा, ठीक है। दोनों को एक साथ जोड़ करके इसमें डाल दिया, अब ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया इसको। अभी ये डायरेक्ट अपन भी हेडलाइट फिटिंग कर देंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये आपको इस तरह से आपको इसमें लगाना है सॉकेट, ये देखो सॉकेट का इस तरह से वायरिंग लगेगा, क्योंकि वायरिंग कलर कोड सबके अलग अलग है। तो ये पोजीशन आप देख लीजिए, ऐसा आपको लगाना है। तो ये ग्रीन वाला जो है ना ये ब्लैक वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाइट वाला जो है वो वाइट वाले के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाइट, और नीचे जो ब्लू वाला जो है वो ये येलो के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका वायरिंग इस तरह से करना, क्योंकि कलर कोड सबके अलग अलग है इसमें। तो ये आपका इजी होगा, इसके ऊपर टेपिंग कर देना, इसके ऊपर मतलब क्या शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और बाकी तो इसके अंदर फिर बाद में मैंने ये रिमोट वाली लाइट मैंने डाली है इसके अंदर, पायलट लाइट डाल दी है रिमोट वाली। तो बार एंड लाइट अभी मैंने इसके अंदर नहीं किया है। और ये डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन आपको करना है, मैंने पायलट लाइट और हेडलाइट दोनों को डायरेक्ट बैटरी कनेक्शन कर दिया, जो मैंने इसके पहले आपको मैंने सब बता दिया आपको, एकदम ईजी है ये। हाँ फ्रेंड्स, तो ये अभी इसके अंदर पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, ओके। ये अंदर एलईडी हेडलाइट डाल दिया है और यहाँ पे रिमोट वाली लाइट लगाई है, जो मैंने इसका भी वीडियो पहले बनाया था। तो सिंपल है, डीसी कनेक्शन होना चाहिए गाड़ी में, और ये इसका सीधा खाली बल्ब रिप्लेस करना है, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी इसका कनेक्शन तो मैंने आपको सारा बता दिया, सिंपल है। तो अभी इसका मैं ब्राइटनेस आपको दिखा था, ये M02H है ये, ओके, M02H का है। और इसको भी ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, और पहले आपको ये पायलट लाइट आपको पहले इसको दिखाता हूँ रिमोट से। तो इसको गाड़ी को पहले ऑन कर लेता हूँ, ऑन है, और इसका ये चालू करता हूँ, ओके। तो इसको पहले रिमोट से इसका कलर चेंज करते हैं, इसका कौन सा करना है, वाइट करूँ, ये वाइट हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, एक इसका मैं फ्लैश पहले बंद कर लेता हूँ एक बार। हाँ अभी ये क्लियर दिख रहा है, अभी कौन सा करूँ, इसको ऑफिस रेड कर लेता हूँ। अभी इसको स्ट्रोबिंग वाला अलग फंक्शन दे देते इसको, ओके, दूसरा कर लेता हूँ, दूसरा फंक्शन दिया, तीसरा फंक्शन,
लास्ट में ये स्ट्रोबिंग फंक्शन है इसका। अब इसको भी स्टेबल कर लेते हैं इसको। ओके, अभी जो भी कलर चेंज कर सकते हैं, 16 कलर्स है इसके अंदर। ये मैं ये वाला कलर डाल देता हूँ। ओके, ये अच्छा दिखते है। अभी मैं आपको इसका ब्राइटनेस आपको दिखाता हूँ, ये इस हेडलाइट का ब्राइटनेस। अभी ये मैं इधर मेरे घर के पीछे ग्राउंड में हूँ, मैं पूरा अंधेरा है, ये देखो ग्राउंड। ओके, पूरा अंधेरा है। अब मैं इसका हेडलाइट ऑन कर लेता हूँ। वाह, सुपर मस्त व्यू है। ये लो बीम है, अभी मैं इसका हाई बीम करता हूँ। ओके, तो हाई बीम और भी थोड़ा सा आगे कवर कर रहा है, लेकिन इतना मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा है तो इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे कवर कर रहा है। तो ये लो बीम हो गया, ये हाई बीम हो गया। अभी इसमें ऑलरेडी पास लाइट तो है, तो पास लाइट तो वर्किंग कर ही रहा है, थोड़ा आगे तक और कवर कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है इसके अंदर। एक्टिवा से कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा ब्राइटनेस अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसका जो ये देखो कि हैलोजन, ये फोकस जो है इसका काफ़ी बड़ा है, इसका एक्टिवा के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसका ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरा एक्टिवा में और इसके अंदर सेम हेडलाइट है, लेकिन इसका बड़ा वो हेडलाइट वाला पैनल होने की वजह से इसका लाइट इसका काफ़ी अच्छा कवर कर रहा है, एक्टिवा से अच्छा दे रहा है, और बाकी तो सब ठीक है, अच्छा है। तो ये आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसमें कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।